सर आज आप जो गांव कथरा में आए हैं वो जांच करिए, उसका क्या मामला सर जी? ये ग्राम कथरा के समस्त ग्रामवासी जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिले थे। एक नंबर है 139 जो कि तालाब का नंबर है, उस पर अवैध कब्जे को लेकर के शिकायत की गई थी। तो आज हमने ग्राम पंचायत भवन में ग्रामीणों के साथ समस्या को सुना और उनकी समस्या का मौके पर ही आकर के समाधान करा दिया। कतरा खगई के ग्रामीणों की शिकायत को जिलाधिकारी ने संज्ञान में लेकर उपजिलाधिकारी सदर को सौंपी जांच। जांच मिलते ही उपजिलाधिकारी सदर ने गांव में पहुंचकर तालाब और शमशान की भूमि पर हुए अवैध कब्जे की जांच की। विकासखंड जगत के ग्राम कतरा खगई में लेखपाल सतेंद्र ने तालाब शमशान भूमि की जमीन का अवैध बैनामा करा दिया, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने परेशान होकर जिलाधिकारी को शिकायत की। जिला अधिकारी मनोज कुमार ने ग्रामीणों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम सदर को जांच सौंप दी। दिन शुक्रवार को एसडीएम सदर ने कतरा खगई में पहुंचकर पंचायत भवन में ग्रामीणों को इकट्ठा करके पंचायत की ग्रामीणों की शिकायत सुनकर एसडीएम सदर ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। तालाब में जा रहे पानी को नाले में मिट्टी हटवा कर तुरंत पानी को खुलवा दिए। एसडीएम सदर ने लेखपाल को सख्त हिदायत देते हुए तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए। आपको बता दें कि कुछ साल पहले कुछ लोग अपनी जमीन को छोड़कर पाकिस्तान चले गए। उनके खाली जमीन को देखकर बीबीपुर के कुछ लोगों ने लेखपाल से सांठ गांठ कर तालाब का बैनामा अपने नाम करा लिया और तालाब के पास बने शमशान घाट की भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया, जिससे ग्रामीणों को काफी दिक्कत होने लगी थी। बीबीपुर के कुछ लोगों ने तालाब में मिट्टी डालकर गाँव के पानी को तालाब में जाने से रोक दिया, जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त था। मौके पर पहुंचकर एसडीएम सदर ने तुरंत नाले को खुलवाकर तालाब में पानी जाने को कहा और कहा कि अगर इस पर कोई भी अवैध कब्जा करता है तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उपजिलाधिकारी सदर ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा लिखित शिकायत प्राप्त हुई थी कि तालाब की जमीन का अवैध तरीके से बैनामा किया गया है और शमशान की भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है। इस शिकायत को लेकर हम आज मौके पर पहुंचे और सभी लोगों को राहत दी कि तालाब और शमशान की भूमि सरकारी है, इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी अवैध कब्जा ना किया जाए। ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर सचिव रीना पाठक, नायब तहसीलदार आशीष सक्सेना, थाना प्रभारी शिवेंद्र सिंह भदौरिया, कांस्टेबल अर्जुन व समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे।